हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में मैंने बताया है वेरी जंक फोल्डर इन जीमेल, हाउ टू चेक जंक फोल्डर इन जीमेल। दोस्तों, जीमेल में जंक फोल्डर होता है, लेकिन काफ़ी सारे लोगों को इसके बारे में पता नहीं है। और अगर आप भी नहीं जानते हो तो आप इस छोटे से वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पिंग रहने वाला है। दोस्तों, जीमेल में जंक फोल्डर यानी कि स्पैम फोल्डर और काफ़ी सारी ज़रूरी ईमेल्स हमारी जंक फोल्डर में ही आती है। तो अब जंक फोल्डर को कैसे चेक करना है ये मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले आप आपके मोबाइल में जीमेल एप्लीकेशन को प्ले स्टोर में जाकर अपडेट कर लीजिए। तो मैं मान के चलता हूँ कि आपने एप्लीकेशन को अपडेट कर दिया है, तो आप जीमेल एप्लीकेशन को ओपन कर लीजिए। जैसे आप जीमेल एप्लीकेशन को ओपन करके आपके जीमेल अकाउंट में लॉगिन करोगे, अब आपके सामने भी इस तरह की स्क्रीन आ जाएगी। तो यहाँ पर अब आपको काफ़ी सारे ईमेल्स नज़र आ रहे होंगे, लेकिन यहाँ पर आपको कहीं पर भी जंक फोल्डर नज़र नहीं आ रहा होगा। तो इसके लिए अब आपको ऊपर की तरफ तीन डैश नज़र आ रहे होंगे, तो इसके ऊपर आप क्लिक कीजिए। जैसे ही आप क्लिक करोगे, अब आपके सामने काफ़ी सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। तो अब यहाँ पर आपको नीचे जाना है और नीचे आपको एक ऑप्शन नज़र आ रहा होगा स्पैम का, तो यही जंक फोल्डर होता है। जी हाँ दोस्तों, कहीं पर नाम इसका स्पैम होता है तो कहीं पर जंक होता है। तो अब आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे, अब आपके जंक फोल्डर में जितने भी ईमेल्स होंगे सारे कुछ यहाँ पर नज़र आ जाएंगे। शायद इनमें आपकी कोई ज़रूरी ईमेल भी हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, तो इस तरह से आप जीमेल में जंक फोल्डर को चेक कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ आपका सवाल हाउ टू चेक जंक फोल्डर इन जीमेल, वेयर इन जंक फोल्डर इन जीमेल का जवाब मिल गया होगा। अगर फिर भी आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट कर देना, मैं उसका जवाब दे दूंगा। और अगर आपको ये वीडियो हमेशा की तरह हेल्पिंग लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं ऐसे हेल्पिंग वीडियोस आपके लिए रोजाना लेके आता हूं। तो अभी के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर गाइस।